अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसा कल देखा कि कुछ लोग छात्रों के रूप में उस बीच में आ गए और बीच में आकर उन्होंने जिस प्रकार से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से हिंसात्मक उस आंदोलन की तरफ ले गए हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी शिकायतें आई उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित कर और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्जाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्जाम के शुल्क को नहीं लिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक दो दिन से हो रही अस्थिरता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। छात्रों के आंदोलन पर बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये बात हम पहले से कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक संगठन जो अपनी राजनीतिक जमीन पहले से खो चुके हैं, वो अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधे पर बंदूक रख रहे हैं। प्रदेश भर में इस समय भर्ती परीक्षा धांधली को लेकर बवाल मचा हुआ है। युवाओं ने कई सारी मांगे सरकार से की हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी के अलावा पूरी सरकार, कैबिनेट की टीम युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी कर चुकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने आंदोलन को हिंसात्मक बनाने में विपक्षी पार्टियों के रोल पर टिप्पणी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने छात्रों के बीच में आकर जिस तरह से पत्थर फेंके और आंदोलन को हिंसात्मक बना दिया, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से आए हैं, उन्हें हमारा प्रशासन देखेगा कि ये कौन लोग हैं। हम छात्रों का कोई नुकसान नहीं करना चाहते, सरकार उनके हित के लिए ही काम कर रही है। देखिए, हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए हमने जितने भी एग्जाम थे, जो भी शिकायतें आई उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्जाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्जाम के शुल्क को नहीं लिया गया है और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होनी थी और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई, हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के, तो कैबिनेट न होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है और यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। इसको हमने सबसे सख्त कानून जो हो सकता था वो बनाने का प्रावधान किया है। इसलिए हम छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां, सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो किसी भी ऐसे उस पर ना जाएं कि अन्यथा उनको जो है जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी तैयारियां करें, उन तैयारियों में लग जाएं और सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी। ये बात हम शुरू से ही कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक संगठन जो अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुके हैं देश भर के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी, अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसा कल देखा कि कुछ लोग छात्रों के रूप में उस बीच में आ गए और बीच में आकर उन्होंने जिस प्रकार से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से हिंसात्मक उस आंदोलन की तरफ ले गए हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से आए हैं, निश्चित रूप से हम उनके बारे में हमारा प्रशासन देखेगा कि ये कौन लोग हैं। नहीं देखिए, हम किसी भी छात्र या हम छात्राओं का जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम उनके भविष्य का पहले से भी ध्यान रख रहे हैं और आगे भी ध्यान रखेंगे कि उन छात्रों और छात्राओं के साथ किसी प्रकार का भी कोई गलत सरकार नहीं करना चाहती। सरकार तो उनके हित के लिए ही काम करेगी।